नमस्कार दोस्तों, म्यूजिकल मेधा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटेशन के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ, हमने पहले मीन से शुरुआत करी थी, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्नामेंटेशन है ये है इसका नाम मुरकी। जी हाँ, मुरकी आप सब ने सुना होगा, कितनी जल्दी हरकतें ले लेते हैं, कितनी अच्छी हरकत है, अरे वाह, ये सब मुरकी है। जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं, मुरकी का सीधा मतलब है शॉर्ट तान, जो बहुत ही क्विकली ली जाए। मुरकी गाने में खूबसूरती भरती है, साथ ही आपके गले की तैयारी को भी दिखाती है। मुरकी का अगर हम एग्जांपल लें तो इट्स निसारे सा, निसारे सा, हाँ। मुरकी छोटी सी तान होती है जिसमें दो या दो से अधिक सुरों को क्विकली गाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर चार चार स्वरों का समूह या ग्रुप बना हुआ है। ये पूरा ही अलंकार मुरकी के रियाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इन स्वरों को पहले धीरे धीरे या स्लो स्पीड में गाएंगे, फिर इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। पहले स्वरों को गाएंगे, फिर आकार में गाएंगे। आइए गाकर देखते हैं। सारे निशान जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। और अगर हम बॉलीवुड में एग्जांपल लें तो जो मैंने गाना पहले गाया, भैया ना धरो ना, यहाँ पे एक मुर्गी आई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गाने को पेश किया गया है और इसमें मुर्गी का बहुत यूज किया गया है। और भी एक गाना अगर मैं आपसे बताऊं तो वो है आज जाने की इज्जत ना करो, यूं ही पहलों में बैठे, क्या आप देख रहे हैं, नोट करा आपने, बैठे। यहाँ पर भी मुरकी है। मुरकी का यूज इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ही ज्यादा होता है। गले की तैयारी और गाने की खूबसूरती मुरकी से उभर कर आती है। बॉलीवुड के कई गाने मुरकियों से भरे हुए हैं। आपने सोनू निगम का वो गाना तो जरूर सुना होगा, सोना सोना, इसमें भी मुरकियां भरी हुई हैं। आशा है आपको मुरकी समझ में आ गई होगी। आगे हमें और भी वीडियोस बनाने हैं और आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें।